हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ सीरीज व्हाट इफ को, जो 2021 में रिलीज हुई है। ये एक एनिमेशन एक्शन एडवेंचर सीरीज है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के इस शो में हम अपने फेवरेट अवेंजर्स की अल्टरनेटिव स्टोरी लाइन देखेंगे। लोकी सीजन फिनाले में एमसीयू में ऑफिशियल मल्टीवर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। मल्टीवर्स यूनिवर्स मतलब एंडलेस पॉसिबिलिटीज, और वॉचर हमें इन्हीं अल्टरनेटिव टाइमलाइन वाले इवेंट्स की कहानियां सुनाएगा। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या होता अगर अवेंजर्स के असेंबल होने से पहले ही उन्हें कोई मार देता। दोस्तों, इस सीरीज का मैंने एपिसोड 2 भी एक्सप्लेन कर रखा है, तो उसे देखना ना भूलिएगा। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चलना शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। एपिसोड 3, द वर्ल्ड लॉस्ट इट्स माइटीएस्ट हीरोज। एपिसोड स्टार्ट होता है निक फ्यूरी के बिग वीक से, जहां हम देखते हैं आयरन मैन को जो डोनट्स खा रहा होता है, जिसके बाद निक फ्यूरी उसे नीचे बुलाता है और इसके बाद नताशा उसे लिथियम ऑक्साइड इंजेक्ट कर देती है। लेकिन यहां पर टोनी स्टार्क की बीमारी सही होने के बजाय उसे मार देती है, जिसका इल्जाम नताशा पर ही आता है क्योंकि उसी ने ही वहां पर इंजेक्शन को इंजेक्ट किया था। निक फ्यूरी को भरोसा था कि उसने ऐसा नहीं किया, इसीलिए वो इंजेक्शन को नताशा को दे देता है और कहता है कि मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया है, लेकिन शील्ड प्रोटोकॉल है इसलिए फॉलो करना पड़ेगा। तुम इन लोगों से छुटकारा पाकर इसके पीछे कौन है उसका पता लगाने चली जाना। अब रास्ते में नताशा खुद को आजाद कर लेती है और उन एजेंट्स की जमकर धुलाई करती है और वहां से भाग जाती है। इसके बाद निक फ्यूरी न्यू मैक्सिको जाता है, जहां पर थॉर का हैमर मियोनर लैंड हुआ था, और वहां पर भी थॉर मूवी के जैसे ही सबको धूल चटाते हुए मियोनर की तरफ बढ़ता है और हॉकआई अपने पोजीशन पर पहुंचता है। लेकिन जैसे ही थॉर मियोनर को पकड़ता है, वैसे ही बिजली कड़कती है और एरो हॉकआई के हाथ से निकलकर थॉर को लगता है, जिसके बाद थॉर मर जाता है और शील्ड के एजेंट उसे पकड़ लेते हैं और एक रूम में बंद कर देते हैं। निक फ्यूरी और एजेंट कोल्सन उससे बात करने के लिए जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि हॉकआई भी मर चुका है, जिस पर कोल्सन कहता है कि शायद उसने सुसाइड कर लिया हो। निक फ्यूरी कहता है कि इसकी एक फैमिली है, हॉकआई की मौत किसी भी तरह हो सकती है, लेकिन सुसाइड तो वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ नताशा बेटी रोज के पास जाती है ताकि वो एनालाइज करके बता सके कि टोनी की मौत कैसे हुई थी। तो बेटी बताती है कि ये एंटीडोट कभी सिरिंज से बाहर निकला ही नहीं, किसी ने शायद नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से इस सिरिंज से कोई छोटी सी चीज तेजी से फायर की है। इसके बाद निक फ्यूरी की कॉल आती है और वो नताशा को इन्फॉर्म करता है कि अवेंजर्स इनिशिएटिव के सारे पोटेंशियल टारगेट्स को यहाँ पर एक एक करके मारा जा रहा है, जिसमें से सिर्फ तुम और बैनर ही बचे हो, तो उसे ढूंढो और सेफ जगह जाओ। नताशा को ब्रूस वहीं पर मिल जाता है और वो उसे लेकर निकलने लगती है, लेकिन तभी जनरल रॉस और उसकी आर्मी ने उनका रास्ता रोक लिया और तभी अचानक से एक बुलेट आकर ब्रूस बैनर को लगी और बैनर गुस्से में हल्क बन गया। और वो गोली रॉस की आर्मी ने नहीं चलाई होती, कोई चाहता था कि ब्रूस हल्क बनकर तबाही मचाए। अब हल्क गुस्से में आकर रॉस की आर्मी को ठिकाने लगा रहा होता है, पर रॉस की आर्मी से लड़ते वक्त अचानक से हल्क की बॉडी फूलने लगती है और उसकी मौत वहां हो जाती है। और तभी न्यू मैक्सिको में लोकी अपनी आर्मी को लेकर आता है और वो थॉर की मौत का बदला लेने की बात कर रहा होता है, लेकिन निक फ्यूरी कहता है कि जिसने तुम्हारे भाई को मारा है उसने मेरे भी लोगों को मारा है, और जैसे ही वो मुझे मिल जाएगा मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। लोकी उसे सुबह तक का टाइम देता है और वहीं अपनी आर्मी के साथ वेट करता है। इसके बाद नताशा कोल्सन का आईडी पासवर्ड लेकर सुराग ढूंढने लगती है और उसे पता चल जाता है कि इस सब के पीछे कौन है, क्योंकि एक शील्ड एजेंट जो थे कि 2 साल पहले मर चुकी थी, उसकी आईडी से अवेंजर्स इनिशिएटिव प्रोग्राम को कुछ दिन पहले ही चेक किया गया था। नताशा ये बताने के लिए निक फ्यूरी को कॉल लगाती है, लेकिन तभी उसके ऊपर हमला हो जाता है और वो उसे मारने लगता है। मरने से पहले नताशा बस यही मैसेज दे पाई कि इस सब के पीछे होप है। निक फ्यूरी जब इस मैसेज को सुनता है तो वो कुछ समझ नहीं पाता है, और तभी कोल्सन उसे याद दिलाता है कि 4 घंटे में सुबह होने वाली है, जिसके बाद लोकी अपनी आर्मी लेकर यहाँ आ जाएगा। जिसके बाद निक फ्यूरी का दिमाग गर्म होता है और वो उठकर जाता है उस पेजर को एक्टिवेट करने के लिए, जिससे वो कैप्टन मार्वल को यहाँ बुला सके। लेकिन तभी उसे होप का समझ आ जाता है और फ्यूरी फौरन लोकी से मिलने चला गया और उसे सब बताता है। फिर हम देखते हैं कि निक फ्यूरी एक कब्रिस्तान में खड़ा है जहाँ होप वेंटाइन की कब्र होती है, और फिर वहां पर हैंक पिम आता है और वो कहता है कि तुम्हारी वजह से होप जिंदा नहीं है, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया और मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा, जहाँ वो बेसिकली अवेंजर्स इनिशिएटिव प्रोग्राम की बात कर रहा था।
असल में इस यूनिवर्स के अंदर होप शील्ड की एजेंट होती है और किसी मिशन के दौरान उसकी मौत हो जाती है, जिसका जिम्मेदार हैंक निकी फ्यूरी को मानता है। फिर वो रिवील करता है कि कैसे उसने टोनी स्टार्क को मारा, फिर हॉकआई को मारा, जिसके बाद उसने हल्क की बॉडी में घुसकर उसके हार्ट को ही बड़ा कर दिया, जिसकी वजह से वो फटके मर गया। और नताशा को तो उसने ऐसे ही निपटा दिया था। जिस पर निक फ्यूरी पूछता है कि मुझे इन सब का तो समझ में आता है, लेकिन तुमने थॉर को क्यों मारा? जिस पर हैंक बताता है कि मैं बस अवेंजर्स को मारना ही नहीं चाहता था, बल्कि उन लोगों ने जो नाम कमाया है वो भी छीनना चाहता था। इसीलिए नताशा के हाथों टोनी स्टार्क को मरवाया और हॉक आई के हाथों थॉर को। जिसके बाद यहाँ पर निक फ्यूरी वर्सेस हैंक फिल्म देखने को मिलता है, जहाँ पर निक फ्यूरी आराम से उसको हैंडल कर रहा होता है, क्योंकि वो असल में लोकी था। और वादे के मुताबिक फ्यूरी ने थॉर के किलर को लोकी के हवाले कर दिया। हैंक फिल्म को लोकी के हवाले करने के बाद फ्यूरी को लगता है कि सब ठीक होने वाला था, लेकिन यहाँ पर सब उल्टा होता है। लोकी ने यूएन के ऑफिस में अर्जेंट मीटिंग बुलवाकर खुद को दुनिया का सुप्रीम लीडर जाहिर कर दिया। इसके बाद हमें निक फ्यूरी कोल्सन अवेंजर्स इनिशिएटिव प्रोग्राम में जितने भी लोग मारे थे उनको प्रेस करते हुए कहते हैं कि अवेंजर्स एक टीम से बढ़कर थी, वो एक सोच थी जो कि इंसानियत को बुरे वक्त में सहारा दे और उस बुरे दौर से बाहर निकाले एज हीरोज। जिसके बाद निक फ्यूरी वहां से चल देता है। फिर निक फ्यूरी एक जगह पर आता है जहां हम कैप्टन अमेरिका की शील्ड देखते हैं। फिर तभी वहां कैप्टन मार्वल आ जाती है और यहां होता है एपिसोड 3 खत्म। तो दोस्तों, ये थी व्हाट इफ के 3rd एपिसोड की एक्सप्लेनेशन, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, इसमें हमने देखा कि निक फ्यूरी के अवेंजर्स के रिक्रूट से पहले ही वो सब मारे जाते हैं, और जब सब अवेंजर्स मर गए हैं तो क्या इस तरह से मार्वल अपने ज़ॉम्बी अवेंजर्स को इंट्रोड्यूस करवाएगा उन्हें वापस से जिंदा करके? और हमने एंड में देखा था कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी वहां है, और वो शील्ड कैप्टन कार्टर की शील्ड जैसी नहीं, तो हो सकता है किसी तरह से स्टीव भी कैप्टन अमेरिका बन गया हो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना, और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी या सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन, बाय, टेक केयर।